जहां कई देश भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, वहीं एक देश ऐसा है जो मिसाइल पे मिसाइल बनाते जा रहा है और उसका परीक्षण भी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि अपने पूर्व तट के एक पनडुब्बी से दो क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये मिसाइल देश के किए जाने वाले हथियारों का परीक्षण की श्रृंखला में सबसे नवीनतम है। मालूम हो रहा है कि रविवार को यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरियाई योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने से पहले किया गया था। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया अपने ऊपर आक्रमण के लिए पूर्व अभ्यास के रूप में देख रहा है। देश की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने सोमवार को कहा कि इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण प्रणाली का विश्व स्तरीय की पुष्टि करने के लिए देश की पनडुब्बी इकाइयों के पानी के नीचे के सतह आक्रमण अभियानों का आकलन करने के लिए किया गया था। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरियाई के सैन्य बलों के लिए किया गया। भारी शक्तिशाली लोग बलों के साथ जवाब देने के उत्तर के संकट को दर्शाता है। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यह भी संकेत दे दिया कि उत्तर कोरिया का उद्देश्य परमाणु हथियार से परीक्षण की गई क्रूज मिसाइलों को शक्तिशाली बनाना है। एजेंसी के मुताबिक मिसाइलें ने 2 घंटे से अधिक सामान्य तक उड़ान भरी। KCNA के मुताबिक मिसाइल के देश के पूर्व तट से पानी के आकृत 8 के आकार का पैटर्न बनाया है और 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदा है। मिसाइलों को 8.24 योगांग जहाज से दागा गया था। KCNA के एक पनडुब्बी का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने साल 2016 के बाद से अपनी ज्ञात पनडुब्बी प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का संकलन किया है। मालूम हो रहा है कि पिछले अक्टूबर में जलाशय के नीचे साइलों से हथियार का परीक्षण करने के बाद रविवार की कार्रवाई उत्तर की पहली पानी के नीचे से लॉन्च की गई मिसाइल की परीक्षण थी। पिछले मई में देश में 19 जहाज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए और अपने मिसाइलों को परीक्षण के लिए यूज करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।